दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपनी आईलेसेस को कैसे हम लोग घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं। बहुत ही सरल होम रेमेडी शेयर करूंगी जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और इसमें आपके एक भी पैसे नहीं लगने वाले। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं या कोई व्यक्ति हमारे प्रति आकर्षित होता है तो सबसे पहले हम लोग ना एक दूसरे का फेस देखते हैं। फेस से हम लोग पहले अट्रैक्ट होते हैं और फेस में भी सबसे ज़्यादा हमारी आँखें इंपॉर्टेंट होती है और आँखों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी पलकें। जी हाँ, पलकें अगर भारी होंगी, खूबसूरत होंगी, घनी होंगी तो ना आँखों की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बट कुछ लोगों की आईलेसेस जो होती हैं वो बहुत लाइट होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, जिसके वजह से ना कहीं ना कहीं कमी सी महसूस होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल आईलेसेस लगाते हैं, मस्कारे का उपयोग करते हैं। बट ये थोड़े टेम्परेरी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं। आप चाहो तो लंबे टाइम के लिए अपने आँखों को खूबसूरत परमानेंटली बना सकते हो। उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। जी हाँ, ये उपाय बहुत ज़्यादा इजी हैं, इसमें आपके एक भी पैसे खर्च नहीं होने वाले और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी हाँ, छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। पहली बार चैनल पर आया तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा है, हमारे आईलेसेस के लिए भी अच्छा है। ये एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल को हम अपने आईलेसेस पे लगाते हैं तो इससे हमारी आईलेसेस लंबी भी होती है, मजबूत भी होती है, घनी भी होती है और मोटी भी होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैस्टर ऑयल होता है यह हमारी आईलेसेस को हर तरह का पोषण देता है जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल में आपको एक ब्रश को डुबोना है और इस ब्रश से हल्के हाथों से आईलेसेस पे आपको कैस्टर ऑयल लगाना है और सुबह रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह गुनगुने पानी से धुल लीजिए। ऐसा कुछ दिन करिए, एक महीने के अंदर आप देखेंगे आपकी आईलेसेस दुगनी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना। दोस्तों आप लोग के पास वैसलीन तो होगी यानी पेट्रोलियम जली। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम जली आपके स्किन केयर में तो काम आती है, साथ ही ये आपकी आईलेसेस की भी केयर कर सकती है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको वैसलीन लेनी है, उंगली में ले लीजिए और उससे अपनी जो आईलेसेस है उसकी हल्के हाथों से मसाज करिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह जैसे आप फेस वॉश करते हैं उसी के साथ इसे साफ कर लीजिए और अपने पलकों को ज़्यादा तेज से मत रगड़िए। दोस्तों आप चाहो तो ब्रश से भी इस पेट्रोलियम जली को लगा सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो सिर्फ 15 मिनट के लिए भी इसको लगाने के बाद धुल सकते हो। अगर आप एक हफ्ते में लगभग 3 बार इस उपाय को करते हैं तो आपकी आईलेसेस लंबी होगी, घनी होगी, मोटी होगी, मजबूत होगी। आप ज़रूर इसे ट्राई करना। दोस्तों आप चाहो तो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने आईलेसेस को घनी बनाने के लिए। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, उसमें ऑलिव ऑयल या जोजोबा ऑयल आपको मिक्स करना है और पलकों पर जो हल्की सी मालिश करना है, अपनी आईलेसेस पे हल्की सी मालिश करना है और आप इसको 15 मिनट भी अपने आँखों पर रख सकते हो या पूरे रात के लिए भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको ठंडे पानी से धुल लेना है। दोस्तों आप चाहो तो अपने आईब्रोज को घना बनाने के लिए भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी आईब्रो भी जो होती है ना वो भी घनी होती हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल करके भी हम अपने आईलेसेस को घना और लंबा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी में कुछ ऐसे गुण मौजूद होते हैं जिससे हमारी आँखों और पलकों को जरूरी पोषण मिलता है। ग्रीन टी में आप एक कॉटन डुबो दीजिए और उसको निचोड़ कर अपने आँखों के ऊपर रखिए। जी हाँ, 15 से 20 मिनट आपको उसको आंखों पर रखना है, जिससे आपके आईलेसेस की लंबाई बढ़ेगी और आपकी आईलेसेस साफ भी रहेगी। साथ ही दोस्तों इससे हमारे आँखों की जो थकान है वो भी दूर रहेगी और हमारी आँख स्वस्थ रहेगी। दोस्तों आप विटामिन ई कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये विटामिन ई कैप्सूल ग्रीन कलर के इवॉन 400 ही आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। ये 20 से 25 रुपए की रेंज में आते हैं। इसके एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो के लिंक आई बटन पर वीडियो के एंड में होगी। दोस्तों विटामिन ई जो होता है
वो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। जी हाँ, अगर आपके बाल झड़ना है या बालों से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने आई लेसेस के बालों को भी घना, लंबा और मजबूत बनाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कैप्सूल लेना है, आपको 2 बूंद कैप्सूल से विटामिन ई ऑयल लेना है और इसे अपने अपने आई लेसेस पे लगाना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह जैसे आप फेस वॉश करते हैं आपको वैसा ही करना है। आप इसे कुछ दिन करके देखिए, आपकी आई लेसेस की ग्रोथ है वो दुगनी हो जाएगी, आपकी आई लेसेस लंबी और घनी भी हो जाएगी। दोस्तों ये थे कुछ सरल उपाय आपके आई लेसेस को मजबूत, घना और लंबा बनाने के लिए। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर कभी कभी ये होता है, कुछ लोगों को नारियल का तेल सूट नहीं करता, कुछ लोगों को कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता, कुछ लोगों को विटामिन ई कैप्सूल नहीं सूट करता। तो आप लोग पैच वर्क करके देख सकते हैं, अपने हाथों पर देख सकते हैं, अपने बालों पर हल्का सा लगा के देख सकते हैं 1-2 दिन। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसे आईब्रो पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आई लेसेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन उपाय को ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपका जो भी अनमोरा कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं जो उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।